शैलेंद्र कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। सभी को एक बार गो ग्रीन, जय भारत। आज के परिदृश्य में जिस राजनीतिक विश्लेषण की चर्चा होगी वो अमूल्य। सरकार देखना हो देखो बिहार की, सरकार देखना हो देखो बिहार की, सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़े कैसे चलती है देखो जुगाड़ के, सरकार देखना है देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के, सरकार देखना है। आप समझ गए, सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के। बड़ा विचित्र, सच। आज बिहार की जनता बिहार सरकार को देख रही, बरसों से देख रही, वर्तमान में भी देख रही, क्या आगे भी यही देखेगा? सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के। आज बरसों से बिहार की सरकार जुगाड़ पे चल रही है। सच मानो, मतदान आप किसी को दो, कोई अंतर होने वाला नहीं है। अंतर कहां से होगा? ऐसी जुगाड़ है सरकार पे जो बैठे। सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के। अब आप देखिए जुगाड़ की गाड़ी कैसे कैसे आगे बढ़ती है। रहमत का बनाया सलामत से चलाया, रहमत का बनाया सलामत से चलाया, गली कूचे से लेकर फोर लेन तक हो आया। रहमत का बनाया सलामत से चलाया, गली कूचे से लेकर फोर लेन तक हो आया। जरूरत नहीं कोई कागज करार की, जरूरत नहीं कोई कागज करार के, सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के। सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के। भाई, मतदान के पहले क्या स्थिति बिहार की होती? जाना दिल्ली होता है, लेकिन अपना सीट एडजस्टमेंट के लिए देखिए क्या क्या करता। मतदान आने के पहले मत बदल जाए, मतदान आने के पहले मत बदल जाए, जाना हो दिल्ली पर पटना ही रुकवाई। मतदान आने के पहले मत बदल जाए, जाना हो दिल्ली पर पटना ही रुकवाए। पेट भर खाओ डकार के, सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के।
आप देख लिए रहमत बाई का जुगाड़ गाड़ी कहां कहां चला जाता है। और अगर मौका मिला तो पेट भर खाओ डकार की, 10-20 पुस्तक का इंतजाम कर लो, चाहे जो भी तिक्रम करना पड़े। आज तो तिक्रम पे सरकार है, वर्तमान में आप देख रहे हो, एक ने पैर खींचा तो दूसरे से सट गया। अरे बैसाखी की सरकार कितनी जवाबदेह होगी, मन का थोड़े कोई सुनता है, प्रवचन देने से क्या होगा। सेटलमेंट पर है सरकार तो बिहार की क्या दुर्गति होगी, आप खुद समझ सकते हैं। जुगाड़ की सरकार कितनी ताकत वाली होगी, क्या कोई अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। बंधन है, स्वतंत्र नहीं है। अरे जुगाड़ पे कितने दिन टिकोगे, डिसीजन लेने में असमर्थ, क्या आप इसका दो तक सच मानते हैं। सुबह का भुलाया शाम लौट आए, देखिए क्या होता है। पिछली इलेक्शन में किसके साथ जीते और बाद में किसके साथ आ गए, जब देखा कि कोई जगह नहीं मिल रहा, गजब की एडजस्टमेंट जुगाड़ है। सुबह का भुलाया शाम लौट आए, दूध का जला फूक फूक पी खाए। सुबह का भुलाया शाम लौट आए, दूध का जला फूक फूक पी खाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज जिसके साथ सटा है और जब हटेगा तो किसी से बैसाखी लेके चलने का प्रयास नहीं करे, इसकी गारंटी नहीं है। आप देख रहे हो बिहार में क्या क्या हो रहा। अरे भाई बिहारी बंदा ही इसे कबूल कर सकता है, जुगाड़ की सरकार को। सुबह का भुलाया शाम लौट आए, दूध का जला फूक फूक पी खाए। देखो ऊंट आया पहाड़ के, देखो ऊंट आया पहाड़ के, सरकार देखो ना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के, सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के। भाई जुगाड़ की गाड़ी पे कितने किलोमीटर जाओगे, थोड़ी सी चढ़ाई आएगा उतर जाना पड़ेगा, इंजन फेल, अरे दिमाग फेल डिसीजन लेने में। जुगाड़ की सरकार की यही नियति है। तुम्हारा है सुशासन तुम्हीं को सुहाना, देखिए कितना अच्छी बात है सुशासन। तुम्हारा है सुशासन तुम्हीं को सुहाना, जमी पे लता रे कहां है दिखाना। अरे भाई जमीन पे तारे नहीं लाने हैं, सुशासन 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 करके ये कान पक गया। प्रशासन क्या करता, अभी तुरंत देखो गंगा में शव मिली, मेरे क्षेत्र का नहीं था, अब क्षेत्र भी प्रशासन का बटा हुआ। एक का दोष दूसरे पे मढ़ा जाता है, दूसरे का दोष तीसरे पे मढ़ा जाता है,
तीसरे का दोष चौथे पे मढ़ा जाता है। अब पांच आते आते तो वो दोष ही समाप्त हो जाता है। तुम्हारा है सुशासन तुम्ही को सुहाना, जमी पे लतारे कहां है दिखाना। बस दो बोल चाहिए प्यार के, बस दो बोल चाहिए प्यार के, सरकार देखना हो देखो बिहार के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के, सरकार देखना हो देखो जुगाड़ के, गाड़ी कैसे चलती है देखो जुगाड़ के। आज बिहार की हर बंदे को नौकरी चाहिए, क्या बिहारी बंदे में ऊर्जा नहीं है? क्या बिहारी बुद्धिमान नहीं है? जुगाड़ की सरकार से कितने कितने उम्मीद पालोगे? फिर भी दिल मानता है कि नहीं वाली बात। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि कोचिंग जगत वाले की कोचिंग बंद है। 10-20 हजार महीने कमाते थे, आज वो बेरोजगार हो गया। अरे भाई, कोई व्यवस्था उसके लिए नहीं, कोई आवाज नहीं उठा सकते हो? कितनी अंतरात्मा मर गई है ग्रेजुएट होकर, एमए होकर, एमएससी होकर, इंजीनियर होकर, टेक्नीशियन होकर, पीएचडी होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट, सारे पठन पाठन के काम में अपना जीवन लगा के रोटी कमाता था। आज उसके सारे एजुकेशनल काम बंद हो गए। बंदा को चाय पे आफत है, क्या मालूम आपको नहीं? तो जुगाड़ की सरकार है, जुगाड़ की सरकार से कितनी उम्मीद करोगे? जो खुद कब बेरोजगार हो जाएगा मालूम नहीं। अगर कोई शासन प्रशासन को सच्चाई दिखाता है तो उसको भी हथकड़ी लगती है, सच बोलने वाले को जेल की जगह मिलती है। क्या बिहार में अभी ऐसी हुई है कि नहीं? किसके साथ हुआ है बोलने की जरूरत नहीं है, सच की जुबान पे ताला है। सच है भाइयों, अगर आप बोलते हो तो पहले निवाला गया और उसके बाद दिवाला हो जाओगे। जुगाड़ की सरकार दलदल में जा रही है, पल पल गिरावट की स्थिति में, अनायास दूर तक कोई सामंजस्य नहीं दिखता। लेकिन बिहार की बेरोजगार युवा अब भी आशा लगाए हुई, मेरे लिए कुछ होगा, कुछ हासिल होगा। मन की व्यथा किसको बताए? तो आप देखें, मांग कर रहे हैं एक बेरोजगार की ओर से, बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, हर युवा की बात, हर नौजवान की बात, हर बालक बालिका की बात, सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात, इंजीनियर्स की बात, पॉलिटेक्निक होल्डर्स की बात, मेडिकल लाइन में नर्सिस की बात, फार्मासिस्ट की बात, और बीएड किए हुए टीचरों की बात, सब की बात।
एक ही बात है, झूठा सांत्वना से अब संतुष्टि नहीं, संपुष्ट करो, रोजगार दो। आज सृजन करने का अधिकार हर युवा को, जब आप रोजगार दोगे तब न सृजन होगा, नौकरी दोगे तब न आगे की जनरेशन फलीभूत होगा अपने कर्तव्यों में। आज दिशाहीन सरकार है, फिर भी एक मोमबत्ती जला देख कर युवा अपने भविष्य को तलाश रहा है। जिस संवैधानिक पद के आप दावेदार हो, आसीन हो, उसका कुछ तो कुछ फलाफल निकालो। पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे, पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे। सही बात है, राज्य सरकार से मांगोगे, भारत सरकार से मांगोगे? पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे, पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे, पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे। दुआ मिलेंगे सारे जवां कहेंगे न्यारे, दुआ मिलेंगे सारे जवां कहेंगे न्यारे, जग में अभाग्य सारे, ओ जग में अभाग्य सारे, रोजी का टोकरी दे दे, रोजी का टोकरी दे दे, पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे, पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे। आज बूढ़े माँ बाप शहर में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, यूनिवर्सिटीज कराकर सोचता है एक अदद नौकरी मिलेगा, लेकिन जब घर वापस आता है तो अपने पिता के साथ, अपने परिवार वालों के साथ टोकरी ढोनी पड़ती है। ग्रेजुएट है, पीजी होल्डर है, इंजीनियर्स सबके साथ दगाबाजी हो रहा है। दिल उसका क्या करता है आप समझ सकते हो, उसके दर्द को बयां करना मुश्किल है, क्योंकि बेरोजगार का दर्द बयां हो ही नहीं पाएगा, सारी इंटेलिजेंसी बेकार हो जाती है। घर में मेरे अम्मा, घर में मेरे अब्बा, घर में मेरे अम्मा, घर में मेरे अब्बा, कहाँ जाएंगे सारे, ओ कहाँ जाएंगे सारे, रोटी का चाकरी दे दे, ओ रोटी का चाकरी दे दे, पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे, पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे, पीएम नौकरी दे दे, सीएम नौकरी दे दे। एक समय लगता है सारी डिग्रियां बेकार है, यूनिवर्सिटी कैंपस का वो रौनक जिसे देखकर खुश होता था सुबह से शाम तक, रात भर जग जग कर पढ़ाई करता था, और जब घर आ गया तो सारी निराशाएं अराउंड अस हो जाती। अब उसके कमरे में बस हर जगह बेरोजगारी लिखी हुई रहती है, क्या उसके कमरे में रोजगार शब्द नहीं लिखा जा सकता? सच बात है, उसके कमरे में रोजगार का शब्द जरूर लिखा जाए,
आप जरूर कमेंट में लिखें, बस रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। सच यही है, आज हर तबके के बच्चों के लिए रोजगार जरूरी है, नौकरी जरूरी है। डिग्री संग सेवा को, बिगड़ी संग मेवा को, डिग्री संग सेवा को, बिगड़ी संग मेवा को, समा जागेंगे द्वारे, ओ समा जागेंगे द्वारे, ज्योति का कोठरी दे दो, ओ ज्योति का कोठरी दे दो, पीएम नौकरी दे दो, सीएम नौकरी 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 दे दो। एक बार बिहार के सारे युवा को गो ग्रीन जय भारत, इसके साथ देश की बेरोजगार युवाओं को भी गो ग्रीन जय भारत।